टॉम रिडल को लेते हैं। हाँ जी टॉम भाई। हेलो जी भाई। हैरिस भाई, पहली बात तो मैं आपको बहुत सुनता हूँ। अच्छा। आपने मेरी थिंकिंग बहुत हद तक चेंज की है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक टॉपिक से अलग बात करना चाहूंगा, जो कि हम इंडिया वाले अक्सर यूथ जो है फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं आप? जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, एक्चुअली समस्या ये होती है कि हम लोग जो लोग जो मिडिल क्लास हैं इंडिया की स्टूडेंट्स, तो उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जस्ट लाइक यूपीएससी और एनी अदर। ठीक है, अब उनके साथ में ये होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है इंडिया में कि अगर 1600 वैकेंसी निकलती हैं तो लगभग 30-35 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, और आता है जो मैं भी हूँ, मैं 3 साल से हूँ, अब मैं इतना डिप्रेशन में आ चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किस चीज़ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं आप? यस। तो उसी के थ्रू मैं थोड़ा सा गाइडेंस सीख कर रहा हूँ आपसे कि मतलब यार मेरे से पहले पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते तो नहीं हुई थी, वो मेरे भाई आ गए थे, वो भी मेरे से करियर एडवाइस ले रहे थे। देखो भाई यार, मैं तो आपको एक बड़ी एक अपनी लाइफ से आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं, और वो मैंने उसमें भी यही कहा था। देखें, बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े कठिन सर्कमस्टांसिस से निकल आते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा नाम बना लेते हैं, और ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हर जगह पे उनको हार नज़र आ रही होती है, लेकिन ऐसा वो उसके अंदर भी वो अपना नाम ऐसा बना जाते हैं। तो आपके आसपास से कुछ ऐसे ऐसे दुनिया के बड़े 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 नाम निकले हैं। तो हम क्रिकेट में हमें कहते होते हैं कि बारिश हो गई, पिच खराब हो गई, गीली थी, बॉल भींगी थी, इस वजह से हार गए हम। वो कहते हैं विनर कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता, अगर उसे जीतना होता ना तो वो फिर भी हर हाल में जीतने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे जितनी मर्जी कठिन आपके आगे मुश्किलात क्यों ना हो। आपको लगेगा कि ये बड़ा आसान है, इतना आसान हर चीज़ आसान नहीं होती। मैं चले अपनी कहानी, मेरे ख्याल मैंने पहले नहीं कभी सुनाई ये कहानी। मैं जब इधर ऑस्ट्रेलिया आया था एज अ स्टूडेंट, मेरी फीस पाकिस्तान से आती थी, मेरे जो एक जो बड़ा खर्चा होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस होती है, वो $10,000 हर सेमेस्टर में आपको देना पड़ता है। उस वक्त हमारी मेरी $9,000 फीस थी, और वो तकरीबन और साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 4 साल थे, तो जो आपको अलाउ होता है काम, आप 20 घंटे काम कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को इजाजत होती है 20 घंटे काम करने की। तो मैं एक वक्त में मायर में काम करता था, फिर उधर से पैसे कम आते थे तो मैं एक पेट्रोल पंप पे काम करता था अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो पैसे हमेशा कम ही होते थे। तो मेरे पास एक महीना इतना बुरा गुजरा कि मैं तकरीबन कोई 2.5 हफ्ते गाड़ी में सोता रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये सख्ती है, और मैंने घर वालों को नहीं बताया हुआ था, क्योंकि क्या उनसे बेचारे वो पहले इतनी फीसें दे रहे हैं, तो अब उनसे क्या आप किराए के भी पैसे मांगू वगैरह, तो कहने का मतलब, लेकिन मुझे ये पता था कि सिचुएशन बदल जाती है। जब भी आप मुसीबत में गुजर रहे होते हैं ना, तब आपको पता होता है कि आपके ऊपर मुसीबत है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी मुसीबत हो ना, एक बात याद रखना कि ये जो कठिन वक्त है ना, ये निकलेगा जरूर। कभी ऐसे नहीं होता कि हर वक्त बारिश होती रहे, कभी ऐसे नहीं होता कि हर वक्त मुश्किल रहे, मुश्किल प्रोलोंग हो सकती है। तो आप अपनी जो आपकी जो भी मुश्किलात है, वो कहते हैं ना व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इसी पे अगर आप मरे नहीं है ना, तो आप अभी हारे भी नहीं है। इंसान सिर्फ तब हारता है जिस दिन वो मर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो मर गया, अब तो उसने ना बिल शेप पे करने, या अब तो उसने दुनिया का अमीर तरीन या रिचेस्ट या फेमस तरीन बंदा नहीं ना बनना, अब तो मर गया, खत्म होगी कहानी। लेकिन जब तक आप मरते नहीं है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल से निकले हुए। तो मैं तो मुझे नहीं पता, मुझे मैं आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं कोई दे सकता कि आप क्या करें, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि इंसानी जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, उसको एक अजीब सी चीज आई है। हालांकि अभी ब्लैक होल आया, हम सारे ह्यूमन स्पिरिट, जितने मर्जी ह्यूमन स्पिरिट है, सारे खत्म हो जाएंगे, एक मिनट में निकल जाएंगे, लेकिन इंसानों के दरमियान में भी एक शो है, आई शुडंट बी अलाइव, उसको देखिएगा कभी। पता नहीं इंडिया में डिस्कवरी वगैरह में आता है या नहीं आता, लेकिन डिस्कवरी का ही शो है, उसको देखिएगा कभी।
लोग ऐसी ऐसी फिजिकल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं उसमें फंस जाते हैं कि लगता है कि मर जाएंगे, आप नहीं निकल सकते यहां से, लेकिन लोग निकलते हैं और पूरी लाइफ उनकी स्लो मोशन में चल रही होती है, सर्टेन इमोशंस उनको करेज देते हैं, मेरी अगर किसी की बीवी है या मेरा कोई बच्चा है या मेरी मैंने अपने माँ बाप से दोबारा मिलना है वगैरह कोई भी वजह हो, वो स्पिरिट उनको कहता है कि ऐसे खींचता है कि उनकी टांगे टूटी होती फिर भी पेट के बल घसीटते हुए बीसियों मील निकल जाते हैं। तो इंसान मुश्किल में, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है, ये कुरान में भी लिखा लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं मैं कर रहा, ये जनरल नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपने हारना नहीं है, आप कोशिश करते रहे, आपको ये नहीं है तो कुछ और मिल जाएगा। वो कभी कभार आपको जर्नी जो है ना, जो सफर है, वो ज्यादा डेस्टिनेशन से ज्यादा मजे का होता। और बंदा आपको कहेगा, जब आपको बंदा मिलियन डॉलर कमाने के लिए उसका पहला गोल होता $1,00,000 हो मैं बनाऊं, फिर होता मिलियन डॉलर, 1,00,000 जब कोई बना लेता ना, कभी कोई नहीं ये कहता चलो आप तो 1,00,000 बना लिया अब मैं बस चुप करके बैठ जाता, कभी ऐसा नहीं करता वो, 1,00,000 के बाद वो मिलियन की तरफ भागने लग जाता, और मिलियन के बाद वो फिर 100 मिलियन की तरफ भागेगा, क्योंकि ये सफर ही होता है जो इंसान को आगे लेता रहता है। हालांकि अगर आपके पास फर्ज करें अगर $1,000,000 आ गया आपकी अगर जहनीत हो तो आप आराम से रिटायर करें, उसको कहीं सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर दें, वहां से आपको इंटरेस्ट से आएगा, उसकी आते रहेगी, इंजॉय करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसी कठिन रस्ते में ही मजा है, ये रास्ता ही असल मजा है, तो इस रस्ते को ढूंढते रहें, आपको विल फाइंड समथिंग। मैं ये कहना चाह रहा था कि ठीक है, मतलब हाँ ये तो ठीक है, आपको कोशिशें करती रहनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन है, तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वैकेंसीज इतनी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो वो एक फंसा हुआ है गवर्नमेंट जॉब में, तो इस ये हमारी जो इतनी लेबर मैन पावर है, ह्यूमन पावर, ये इस चक्कर में कितनी वेस्ट हो रही है, तो इसको कम करने के लिए हम मतलब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, मुझे नहीं पता, ये किसी आप इकोनॉमिस्ट से पूछें ये वाली बात, मैं मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट मैं तो नहीं दे सकता क्या करना चाहिए। आई मीन ऑब्वियसली इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ज्यादा पॉपुलेशन होने का ये भी फायदा होता है कि आपकी इकोनॉमी का साइज भी बड़ा होता, बट ऑब्वियसली वो फिर डिपेंड करता है कि क्या पर कैपिटा को कैसे इंक्रीज किया जाए, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अब इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। चले बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू आपसे बात करके बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।